गोजरिया वाले होते हैं खाली है ना। जो लोग भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी जी मतलब ऐसे प्रिपरेशन करो कि आपको ड्रीम कॉलेज मिले। तो गाइज यहाँ से भी ये व्यू चेक कर, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे है होती हैं क्लासेस बच्चों की। जीएमसी का रास्ता पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को, जब भी आप लोगों का मन करे, जब भी आपको जाना हो आसानी से जा सकते हैं, जब पूरी वीडियो देखेंगे तब। जंगल में भी होता है एक बार ऐसे करो तो खाली जगह हो। सो ये रही स्टाफ जो है टीचर्स वगैरह, सो आगे ऊपर हॉस्टल, तो ये चेक करो ये हॉस्टल है। इस जगह का नाम है मैरा। ये है हमारा कॉलेज। अच्छा ये कॉलेज है, बस यहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती है। अच्छी अच्छी अच्छा। एंड जब भी आप लोग आएंगे आपको जरूर याद आएगा कि यहाँ पे अब्दुल रहमान भाई भी आए थे। अगर कोई भी मतलब कि हेल्प करना चाहता है वो भी कर सकता है भाई, जो भी यहाँ से बंदा देख रहा है कि मेरे को अंदर की वीडियो बनाने दें, अंदर से भी मैं दिखाऊँ पूरी वीडियो में कि अंदर से कैसा है कॉलेज। तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवर फ्रेंड अब्दुल रहमान। सो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सो बात ऐसे है कि हमारे घर में आए हैं डॉक्टर आयशा दीदी, एंड जिसने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे उसको पता होगा कि ये कहाँ थे। ये थे श्रीनगर में, श्रीनगर में पड़ी हैं विंटर वेकेशन थोड़े दिन के लिए, उस वजह से ये आए हैं घर। तो आज का प्लान बन गया अचानक कि आज लेके चले हमें जीएमसी राजौरी जो है, सो वहाँ का मैंने सैर करना है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रही थी भाई लोगों की, सिस्टर्स की, कि आपने जीएमसी एक बार दिखाया था एंड हॉस्टल्स वगैरह नहीं दिखाए, एंड मैं चाहता हूँ कि इस व्लॉग में आपको हॉस्टल भी दिखे एंड और जो कुछ भी नया मेंटेन किया हो सब कुछ वो इस व्लॉग में दिखे आपको। आयशा दीदी आ चुके हैं मेरे साथ। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो आप? हाँ, से ठीक है आपकी? हाँ, आज हमारी प्लानिंग बनी है जीएमसी राजौरी में जाने की, जी क्योंकि जी वो हमारे घर के पास है, तो वहाँ पे जब भी कोई पूछता है बोलता है जीएमसी राजौरी गए हो घूमने, तो आज हम जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इंशाल्लाह, फिर आगे बताते हैं क्या कर रहे हैं पूरा इंशाल्लाह। एंड आयशा दीदी, डॉक्टर आयशा, गाइस फाइनली हम लोग आ गए बाइक पे बैठ गए। सो अभी जस्ट निकल रहे हैं, अभी का टाइम है 12:30। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। कहाँ से जीएमसी राजौरी जो है वो है तकरीबन 7-8 किलोमीटर। ट्रैफिक देख रहे हो यहाँ से कितनी ज़्यादा, सो हमें मंडी वाले रास्ते से चलना है, सलानी वाले से भी जा सकते हैं लेकिन। और देख रहे हो आगे कुत्ता कैसे कर रहा था, बेचारा नीचे आ गया था इस गाड़ी के, अल्लाह ने बचा दिया उसको। कई बार बोला जाता है कि भाई गाड़ी वालों ने देखा ही नहीं, ब्रेक ही नहीं मारी तो जानवर को नीचे कर दिया, लेकिन कई बार जानवरों की भी गलती होती है भाई कि वो साइड ही नहीं होते रोड में। सो उस वजह से अगर कहीं कोई तेज होगा तो वो तो उसके ऊपर डेफिनेटली चढ़ा लेगा, लेकिन अगर कोई हादसा होगा तो वो इंसानियत के नाते रुक जाएगा। हम लोग पहुंचे हैं मंडी, मंडी का ये ब्रिज है। सो यहाँ से निकल रहे हैं आगे, यहाँ से ले लिया लेफ्ट टर्न। सो यहाँ से आगे मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, कौन सा रास्ता है, क्या रास्ता पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को, जब भी आप लोगों का मन करे, जब भी आपको जाना हो, सो उस वजह से आप लोग आसानी से जा सकते हैं, जब पूरी वीडियो देखेंगे तब। अगर मेरे पास अभी जस्ट हेलमेट ना होता तो मेरे को इन्हें पकड़ना था ट्रैफिक वालों ने। तो मैं तो सबको ये गाइड करूँगा कि भाई लोग हेलमेट लगा के चले, एक तो आपकी सेफ्टी है, दूसरा आपको कोई पूछेगा भी नहीं। मेरा जगह का नाम जहाँ पे ये जीएमसी है। सो ये रहे ऑटो, यहाँ से ये मिल जाएंगे ऑटो जब भी आप लोग जाएंगे, ये मैं पर्सनल लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको रास्ते में। से पहले पेट्रोल डलवाते हैं तो उसके बाद कंटिन्यू होते हैं। ठंडा है ना। तो गाइज यही रोड है जवाहर नगर वाली, एंड इन चाचा ने इंडिकेटर भी ऑन किया हुआ है बीच रास्ते में। आयशा दीदी आप परेशान बैठे हुए हो? नहीं नहीं। अच्छा फिर क्यों चुप हो? बारिश आने वाली है ना। अच्छा आयशा दीदी को डर है बारिश आ जाएगी। खांडली वाली रोड है पूरी, सो हमें खांडली पुल तक इसी रोड से जाना है। सो उसके बाद जो होगी आगे तो वो भी दिखाऊंगा आगे चल के। गाइज खांडली पुल पहुंच गए हैं फाइनली। सो यहाँ से हम लोगों ने लेना है लेफ्ट टर्न, जब भी आप लोग आएंगे तो ये चीज का ध्यान रखना, हमने ऊपर वाली तरफ जाना है ना कि नीचे वाली तरफ। तो चलो लेट्स गो। ये रोड देख रहे हो, इस रोड में जब भी आप लोग आएंगे तो ध्यान से भाई रिश्ता नहीं चलना यहाँ पे, सैम अपने दसल जैसी रोड है यार, बिल्कुल वैसी ही। हमें डर था कि कहीं बारिश ना आ जाए, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली वो रही बिल्डिंग जो है मेडिकल कॉलेज की, यहाँ से नजर आ रही होगी आप लोगों को। आपको खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है ना, आगे चल के हाईवे मिलेगी देखना। नाम है इस जगह का? इस जगह का नाम है मैरा।
तो गाइस फाइनली यहाँ से आप लोग जब भी आएंगे तो ऊपर की तरफ जाना है, ना कि नीचे की तरफ। एंड यहाँ से देख सकते हैं आप लोग फुल हाईवे बनाई हुई है, ये चेक करो भाई लोग यहाँ से, ये रोड कितनी प्यारी है, जबरदस्त। फाइनली वो रहा जो कि GMC राजौरी है। तो 3 साल से यहाँ पे बैठते हैं नीट वाले बच्चे, अब मेन गेट ऊपर है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, जी जी थैंक यू सर। तो गाइस फाइनली ये रहा जो गेट है, तो यहाँ से हम लोग एंटर हो गए। यहाँ से ये देख सकते हैं आप लोग पूरा बिल्डिंग का व्यू, माशाल्लाह। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से ये व्यू चेक करो कितना प्यारा, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त इस कॉलेज का। यहाँ से ये चेक करो सर, हॉस्टल कहाँ पे है? हॉस्टल ऊपर जाके सी घूमने आए थे। जी जी, ये है हमारा कॉलेज। अच्छा ये कॉलेज है, बस यहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती है। अच्छी अच्छी, अच्छा मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। कौन सा एमबीबीएस? अच्छा कहाँ से हैं आप? विजयपुर सांबा, जम्मू। जम्मू से, चलो शुक्रिया। और जब तक बंदे को जानकारी नहीं ना होगी तो फिर बंदे को घूमने का फायदा नहीं। उस वजह से मैंने भैया से पूछा कि हॉस्टल कौन से हैं, तो भैया ने बोला यहाँ से ऊपर है, होटल नहीं दिखाए। सो ये रहे फाइनली हॉस्टल, ये चेक करो भाई लोग, टॉप पे हम लोग पहुँच गए, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग पूरा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है कॉलेज। यहाँ से भी ये देख सकते हैं, फाइनली लास्ट एंड पॉइंट आ गया यहाँ पे। यहाँ तक हम लोग बाइक लेके आए हैं, तो यहाँ से ऊपर रोड तो है बट जाने का फायदा नहीं, सो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। हाँ भाई यहाँ पे लगाते हैं बाइक। पहुँच गए फाइनली GMC, GMC राजौरी। देखा आपने कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा है, अभी ये न्यू है तो इसकी डेवलपमेंट चल रही है, बिल्कुल तो अच्छा है। सो और क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ जो लोग भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी जी, मतलब ऐसे प्रिपरेशन करो कि आपको ड्रीम कॉलेज मिले। बिल्कुल, अगर आपको अपनी मर्जी का कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको रिग्रेट रहेगा कि काश थोड़ी सी और मेहनत की होती तो हमें अपना ड्रीम कॉलेज मिला होता। और तो गाइज यहाँ से भी ये व्यू चेक करो, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। यहाँ पे है होती हैं क्लासेस बच्चों की। तो गाइज ये आगे क्वार्टर जो कि फैमिलीज के लिए, एंड सो ये रही स्टाफ जो है टीचर्स वगैरह, सो उनके लिए आगे ऊपर हॉस्टल। तो ये चेक करो, ये हॉस्टल है, एंड ये रहे हॉस्टल जो कि मेरे को आप बार बार पूछ रहे थे कि भैया आपने हॉस्टल नहीं दिखाया, तो फाइनली मैंने दिखा दिए हॉस्टल, ये देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे टॉप पे हम लोग आए हुए थे, सो यहाँ पे एक दो भाई भी मिले, सो उन्होंने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया मेरे साथ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे को नॉलेज दिया इस कॉलेज के बारे में, थैंक यू भैया। जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, दो भाई मिले थे एंड एक, तो सबका तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने कॉपरेट किया। सो ये रहे हॉस्टल वगैरह, देख सकते हैं आप लोग। एंड अब हम हॉस्टल के अंदर या फिर गेट से अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर ये रूल के खिलाफ हो गया। तो जहाँ से रोड मिल रही है तो वहाँ पर हम मज़े से बना सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह। सो तो गाइज़ यहाँ से भी ये व्यू चेक करो कितना ब्यूटीफुल आ रहा है इस कॉलेज का, एंड मैं चाहता हूँ हर तरफ से इसका व्यू दिखाया जाए आप लोगों को, तो कॉलेज का कितना ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही अच्छी जगह पे बनाया माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। ये रहा, एंड यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मिले हमें। तो ये रही आयशा दीदी, और आयशा दीदी ठीक है आप? मज़ा आया? हाँ आया मज़ा, घूम फिर के आए। GMC राजौरी की बस है ये, देख सकते हैं आप लोग, ये हॉस्पिटल भी जाती है कई बार, मैंने वहाँ पर भी देखा इसको, ये देख सकते हैं आप लोग। नो एंट्री विदाउट परमिशन लिखा हुआ है कि आप लोग इंटर नहीं हो सकते बिना परमिशन के। तो गाइज अगर मेरा कोई भाई लोग देख रहा होगा जो यहाँ पे पढ़ रहा है, सो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट बार जब आऊँ तो अंदर से भी पूरा व्यू दिखाऊं अपनी फैमिली को, यूट्यूब को। एंड उस अगर कोई भी मतलब कि हेल्प करना चाहता है वो भी कर सकता है भाई, जो भी यहाँ से बंदा देख रहा है कि मेरे को अंदर की वीडियो बनाने दें, अंदर से भी मैं दिखाऊं पूरी वीडियो में कि अंदर से कैसा है कॉलेज। तो खुद भी परमिशन ले सकता हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता भाई। अगर मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, या इंस्टाग्राम की आईडी होगी नीचे, मैंने लिंक डाला हुआ इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से आप लोग मेरे को बता सकते हैं। दीदी को खाने हैं मोमोज, तो उस वजह से यहाँ पे लगाते हैं अंदर चल के बाइक, तो उसके बाद खाते हैं मोमोज, आयशा दीदी को खिलाते हैं और फिर चलते हैं। चलो जी उतरो।
तो गाइस जहाँ भी जाएंगे घूमने फिरने के लिए सबसे मेन होता है वहाँ पे कुछ खाया पिया, वो हमेशा याद रहता है। जो पल में बैठते हैं तो वहाँ की जो भी ब्यूटी होती है या फिर वो अट्रैक्ट करती है बंदे को, है ना। सो उस वजह से हमने सोचा कि अभी जस्ट खा लेते हैं मोमोज। आयशा दीदी का ये कहना था कि जी हमें मोमोज खाने हैं। सो ये रहे आयशा दीदी। और जी पहुँच गए मोमोज खाने। हाँ। बड़े भूखे हो आप। मोमोज खाते हुए और क्या। तो गाइस आयशा दीदी कुछ कहना चाहते हैं, पूछते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहती हूँ मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता है। जब नई चीज़ एक्सप्लोर करती हूँ, नई जगह, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली बाइक के साथ जाके। क्या बात है, देख रहे हो डॉक्टर साहब को देखा, मेरे साथ अच्छा लगता है घूमना। मेरी एक फ्रेंड है मुझे बोलती है मेरे बाइक कब बड़े होंगे, मैं उनके साथ घूमूंगी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइक के साथ घूमना। बड़े भाई तो कहीं घुमाते नहीं है, छोटे ही घुमाते हैं, जब भी घुमाते हैं ना। इकट्ठे पड़े हैं ना क्लासेस में, तो जब कभी भी मन होता था ऑलमोस्ट एवरी वीक एक बार तो हम लोगों ने कहीं घूमना होता था। घूमे ना, गूंज रही आवाज यहाँ पे ना, खाली है ना। जैसे खाली कमरे में हम करते थे ना बचपन में, जंगल में जाके। जंगल में भी होता है, जंगल में भी होता है एक बार ऐसे करो तो क्या खाली जगह हो। हाँ, मैं वहाँ चिल्लाऊँ देख रहे हो ये डॉक्टर साहब की हालत। तो गाइस फाइनली मोमोज हम लोगों ने खा लिए, अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। तो बाकी ठीक है, फिर बाकी बातें आपके साथ बाइक के साथ करते हैं। तो बाकी ठीक है, फिर ये रहा बाइक का रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग आए थे। एंड जब भी आप लोग आएंगे आपको ज़रूर याद आएगा कि यहाँ पे अब्दुल रहमान भाई भी आए थे। सो चलो ठीक है, फिर बाइक से भी मैं दिखाता हूँ इसका व्यू। और आयशा दीदी मज़ा आया मोमोज खा के? हाँ बहुत आया। बंदा रिलैक्स हो जाता है जब कुछ खाए पिए, है नहीं? ये मोड़ देख रहे हो कितना खतरनाक सा। जब हम लोग आए थे ना तो छोटी छोटी कन्नियां पड़ रही थी हम पे बारिश की। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा सफर आने का यहाँ तक। सो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बारिश का बिल्कुल भी वैसा नहीं नजर आ रही कि बारिश आने वाली है जस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ हमें, मतलब कि बहुत खुशी हुई भाई लोग कि हम बारिश से बच गए। अगर बारिश आ जाती तो फिर हमारे साथ बहुत गलत हो जाता। क्योंकि आयशा दीदी सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आयशा दीदी भी कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बारिश अगर आ जाती ना तो फिर हमारी हालत खराब हो जाती है ना आयशा दीदी। एंड हाँ। यहाँ पे ये क्या जा रहा है भाई, कोई ऑफिसर जा रहे हैं यहाँ से शायद। एंड देख रहे हो कितनी ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं, क्या बात है माशाल्लाह। ये देख रहे हो कोई बड़े ऑफिसर जा रहे होंगे। एंड जा पता नहीं कहाँ रहे हैं, इस चीज का कोई नॉलेज नहीं। तो देख रहे हो ये एरिया छपरियां का, तो अभी आगे आएगा जवाहर नगर। तो गाइस ये रहा जवाहर नगर का एरिया, जवाहर नगर की मार्केट मैन। सो हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं घर की ओर। हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, सलानी पुल वाली साइड से चलेंगे घर। तो गाइस ट्रैफिक देख रहे हो आज बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं है। ये चेक करो भाई लोग, ये जाम देख रहे हो। तो बात यहाँ से मेरे को लेफ्ट टर्न जाना है घर। तो चलो भाई लोग शुक्र है हम फ्री हो गए जाम से। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। एंड जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग पूरी वीडियो देख सकें। एंड मेरे को और भी गाइड करें कि मैं नेक्स्ट लोकेशन पर कहाँ जाऊँ। जिसने पूरी वीडियो देखी है वो बताएगा।